thank mm -hmm. you तरिता नि पर सुभव यद्रम तया सु शांति शांति नमस्ते भगवान ने जन्म से ही हमारे हृदय में स्वयं का वास दिया है और हम सबको जन्म से ही गुरु प्राप्त है वह गुरु जिसे हमने ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती वह गुरु जो सदा हमारे साथ रहता है हमारे अंतःकरण में और वही इस जीवन में हमारी रक्षा करता है विकारों से जैसे कोई प्रत्यक्ष गुरु एक शिष्य को ज्ञान देता है परंतु सदगुरु भगवान की कृपा से हमारे पुण्यों से हमें प्राप्त होता है उसी तरह भगवान की कृपा अहेतुकी कृपा से हम सबको जो गुरु प्राप्त है जिसे ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं जो हमारे साथ है वह हमारा विवेक है हमारा विवेक ही हमारा गुरु है विवेक विचर पृथक भावे जो चीज़ों को अलग अलग करके दिखाता है हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सुनने को मिलती हैं हमारे भीतर भी बहुत सारी स्मृतियां हैं वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांच ब्रि... और वो क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं यानी कि अच्छी भी और बुरी भी अच्छे बुरे का भेद होना बहुत आवश्यक है और अच्छे बुरे का भेद करके ही जो अच्छे बुरे को जानता है वही विद्वान है वही ज्ञानी है, जो अच्छे को भी जानता है और बुरे को भी जानता है बुरे को किस लिए जानना कि हम बुराई से बच सकें और हमारे अंदर यदि कोई बुराई दिखती है तो हम उसे त्याग सकें नहीं तो उसी के कारण से दुख होगा दुख इसीलिए होता है कि हम त्याग सकें दुख त्याग के लिए होता है और सुख सेवा के लिए होता है दुख हमें बताता है कि कोई बुराई है जिसके कारण से दुख हो रहा है उसका त्यागना आवश्यक है उसको अंदर रहने नहीं देना ये बुराई को जानने से ये लाभ है कि हम उससे सदा बच सकते हैं और हमारे भीतर यदि है तो हम उसका त्याग कर सकते हैं और अच्छाई अच्छाई से अच्छाई को जानने से ये लाभ है कि हम अच्छाई को जान करके अच्छा आचरण कर सकें अच्छा देख सकें अच्छा सुन सकें अच्छा सोच सकें अच्छा कर सकें अपने ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हम अच्छा व्यवहार करते हैं अच्छा आचरण करते हैं तो उसी से सुख मिलता है और सुख मिलता है तो व्यक्ति सेवा करता है इस संसार की सहायता मदद करता है इसको सुंदर बनाने में अपना योगदान देता है इस समाज को सुसंस्कृत बनाने में क्योंकि वो भी इसमें रह रहा है सभी लोग इसमें रह रहे हैं तो सभी को एक सुंदर वातावरण मिले सुंदर स्वास्थ्य मिले शांति मिले प्रसन्नता मिले उसके लिए फिर व्यक्ति सेवा करता है सुखी व्यक्ति सेवा कर सकता है और सुखी वही व्यक्ति होता है जो अच्छे काम करता है जो पुण्यात्मक काम करता है और दुखी व्यक्ति कैसे सेवा करेगा दुखी व्यक्ति को तो सेवा चाहिए दूसरों से कि कोई मेरी सेवा कर दे मेरा दुख दूर कर दे मेरी अशांति दूर कर दे मेरी पीड़ा हर ले भगवान से भी यही प्रार्थना करता है लोगों से भी यही प्रार्थना करता है दुखी व्यक्ति तो सेवा चाहेगा सुखी व्यक्ति सेवा कर सकता है दुखी व्यक्ति त्याग कर सकता है कि जिस कारण से मेरे पास दुख है चाहे वो कारण मेरा प्रमाद है मेरा आलस्य है मेरे दुष्कर्म है मेरी दुर्भावना है मेरा अज्ञान है ये सब दुख के कारण हैं तो मैं इनका त्याग कर सकूं कि आज से मेरे कर्म अज्ञानपूर्वक नहीं होंगे ज्ञानपूर्वक होंगे आज से प्रमाद आलस्य में, में मेरा तन मन नहीं रहेगा आज से मेरा मन भगवान में लगा रहेगा मेरा मन एकाग्र रहेगा सत कर्मों में सदभावों में सदग्रंथों में सदगुरु में सदसंग में हर चीज के साथ सत जोड़ देते हैं तो वो हमारे भलाई की हो जाती है वो भगवान की तरफ लेने जाने वाली हो जाती है मुक्त करने वाली हो जाती है यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है सत्व के साथ साथ रज और तम भी हैं। रज और तम भी जीवन जीने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आवश्यक है उसी तमस के कारण से हम स्थिर रह पाते हैं तमस के कारण से हम विश्राम निद्रा ले पाते हैं और रजस के कारण से हम क्रिया कर पाते हैं कर्म कर पाते हैं परंतु पूर्णतः राजसिक ही हो जाना के केवल कर्म कांड में ही लगे रहना केवल कमाने में ही लगे रहना अपने सम्मान के लिए अपने सुख के लिए इतना रजस हावी हो गया कि हमको लोभ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मुझको ये चाहिए मुझको ये चाहिए और हम परिग्रह करते जा रहे हैं तो वो रजस फिर हमारे जीवन को नरक करता है हमारे जीवन को इतना क्रियाशील होना भी खतरनाक हो जाता है कि रजस की प्रधानता हो गई या तमस की प्रधानता हो जाए रजस की प्रधानता होने से व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाएगा ध्यान नहीं कर पाएगा स्थिरता नहीं रहेगी और तमस की प्रधानता होने से शरीर में भारीपन जड़ता आलस्य निद्रालु, और अवसादग्रस्त कोई कुछ करने का मन न करना ये सारी समस्याएं होंगी भगवान ने भी बताया गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान हे प्रभु हे वार्षणेय मुझको ये बताएं कि मैं तो कोई व्यक्ति पाप में पग रखना नहीं चाहता और भगवान भी नहीं चाहता कि कोई पापी हो फिर व्यक्ति कैसे न चाहते हुए भी पाप करता है न जानते हुए भी जानते हुए भी बुराइयों से बच नहीं पाता बार बार वही गलतियां करता रहता है भगवान ने कहा कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव ये रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाएं और उन कामनाओं के पूरा ना होने पर जो क्रोध एक रोष आता है एक शो, एक शोभ उत्पन्न होता है काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम एह वैरिणम इस वैरी को तू जान जो महाशनो है जिसका पेट कभी नहीं भरता न तो हमारा कामनाओं से पेट भरता है क्योंकि कामनाएं होती रहती हैं कामनाएं पूरी होती हैं तो और कामनाएं जन्म लेती हैं वो भी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो और कामनाएं जन्म लेती हैं सारी कामनाएं तो पूरी होती भी नहीं कुछ पूरी होंगी और कुछ पूरी नहीं होंगी तो जो पूरी नहीं होती वो क्रोध को जन्म देती हैं और कुछ जो पूरी हो जाती हैं वो लोभ को जन्म देती हैं वो और मोहित कर देती हैं चित्त को की और कामनाएं का कोई अंत नहीं है महाशनो है जिसका पेट कभी नहीं भरता रजोगुण से उत्पन्न हुई कामनाओं का पेट कभी भी नहीं भरता इतने जन्मों से हम भोगते आ रहे हैं और आगे आने वाले जन्मों में भी हम भोगते रहेंगे हर सृष्टि में तब भी ये कामनाएं अतृप्त ही रहेंगी हमें अतृप्त करती रहेंगी हमें अशांत करती रहेंगी कामनाओं की तृप्ति में शांति नहीं है कामनाओं की कामनाओं को पूरा करने में शांति नहीं है कामनाओं का ही पूरा होने में शांति है कामनाओं के पूरा करने में हम शांत नहीं होते सारी जो कामना है कामना ही पूरी हो जाए यानी कामना ही खत्म हो जाए शून्य हो जाए तब शांति मिलती है यानी निष्काम होने में शांति मिलती है बाकी तो छोटी छोटी कामनाएं हमारी पूरी होती रहती हैं और पूरी होने के बाद फिर एक कामना आ जाती है कामना पूरी होने के बाद कोई निष्काम नहीं होता और जबकि शांति मिलती है निष्काम होने से और निष्काम होने का अर्थ है कामना रहित हो गए कि कामना नहीं है अब किसी चीज की कामना नहीं है किसी भी चीज की हाँ आवश्यकता है आवश्यकता तो इस शरीर के लिए हमको है भोजन की वस्त्र की एक आवास की आश्रम की इस शरीर के लिए आवश्यकता है तो आवश्यकता कभी हानि नहीं करती हमारी आवश्यकता हमें कभी भी दुखी नहीं करती और आवश्यकता कामनाओं को खा जाती है अब जिसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं फिर वो अलग अलग कामना करने लगता है कि काश चलो रोटी तो मिल गई और घी वाली रोटी भी मिले या इसमें और जैम भी लगाओ मक्खन भी लगाओ इसके साथ ये सब्जी भी हो अब आलू के पराठे चाहिए इस तरह की नई नई कामनाएं आती हैं आवश्यकता अलग है और कामनाएं अलग है जैसे नीड और वांट में अंतर है हमारी नीड तो वो तो आवश्यकता है हमारी ज़रूरत है वो तो पूरी भगवान करते ही ये प्रकृति करती है इसने जन्म दिया है तो ये हर हमारी नीड को पूरा करेगी हर नीड को पूरा करेगी हाँ और वांट वांट तो हमारी जो वांट होती हैं वो तो आई वांट दिस आई वांट दैट वो तो अनंत हो सकती हैं हमारी वांट्स कभी पूरा नहीं कर सकती ये धरती एक व्यक्ति की ही कामनाएं पूरा करते करते ये धरती खत्म हो जाएगी और इस तरह की कितनी धरतियां खत्म हो जाएंगी पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा लेकिन यह कामनाएं खत्म नहीं होगी इसीलिए भगवान ने इसे महाशनो कहा महाशनो महापापमा विध्यनम ही वरीणम कि ये महाशन है ये महापापमा भी है कि ये बहुत पाप कराती है इन्हीं कामनाओं के चक्र व्यूह में फंस करके कामनाओं के चक्र में पड़ के व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है चोरी करता है बड़ा पद प्राप्त करके भी गलत कार्य करता है बड़ा सम्मानित होकर के भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो के भी अपनी कामनाओं पे जो लगाम नहीं लगा पाया वो अलग अलग तरह के काम करता है अलग अलग चाहे वो बुरे ही क्यों ना हो चाहे वो शास्त्र सम्मत भी ना हो गुरु उपदिष्ट भी ना हो लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने सुख की पूर्ति के लिए अपने कामनाओं को पूरा करने में जो सुख है अपने संकल्प को पूरा करने में जो सुख है उस सुख के लिए बहुत सारे गलत काम करता है जिसका भुगतान उसे दुख के रूप में ग्लानी के रूप में अवसाद के रूप में प्रमाद के रूप में करना पड़ता है अज्ञान और मिलता है दुख अज्ञान अनंत फला गलत काम करने से वितर्क करने से यम नियम के विपरीत आचरण करने से दुख अज्ञान मिलता है वो भी अनंत गुना मिलता है कोई थोड़ा सा नहीं अनंत गुना बुरी आदतें तो मजबूत होती हैं और दुख अज्ञान अनंत फला अनंत फल मिलता है दुख और अज्ञान का इसलिए जो साधक है योगी है वह सावधान होता है कि मैं कोई ऐसी कामना ना करूं जो मेरे ही अंदर मेरे हृदय को जलाती रहे अशांत रखे अतृप्त रखे मैं जियूँगा तो तृप्त होकर के जीऊँगा अतृप्त होकर के जीऊँगा तो फिर गलत काम की तरफ भी बढ़ जाऊँगा चुंबक की तरह गलत काम से चिपक जाऊँगा लेकिन मैं तृप्त होकर के जीऊँगा मैं पूर्ण होकर के जीऊँगा क्योंकि पूर्णो हम क्योंकि तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि सोहम इस तरह जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से जोड़ता है मंत्रों के माध्यम से जप के माध्यम से ध्यान सत्संग के माध्यम से भक्ति के माध्यम से वह अपने आप को पूर्ण अनुभव करता है पूर्ण से जुड़ने के बाद तो पूर्ण ही अनुभव करेगा और अपूर्ण से जुड़ने के बाद अपूर्ण अनुभव करेगा और पूर्ण कौन है पूर्ण वह परमात्मा है और उस परमात्मा की बनाई गई यह सृष्टि परमात्मा से जुड़ा वह सब कुछ पूर्ण है जिसमें परमात्मा की छाया है तो हम हर चीज़ में परमात्मा की छाया देखेंगे उसके नाते सबको देखेंगे तो हमको सब कुछ पूर्णता देने वाला होगा और यदि भगवान को हमने हटा दिया इस धरती को केवल एक भोगने की वस्तु समझा व्यक्तियों को भोगने की वस्तु समझा कि ये सब मेरे सुख के लिए हैं तो हम अल्प हैं और हमने इस धरती को भी अपनी अल्पता को भरने वाला माना तो ये भी हमको अपूर्ण लगेगी क्योंकि इसमें फिर भगवान की छाया हमने नहीं मान रहे मानने से ही भक्ति होती है क्योंकि उस भगवान को हमने कभी जाना नहीं हम जान सकते नहीं हमारी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं इतना स्पेस नहीं कि वो अनंत समा सके कभी सुना नहीं जाना नहीं देखा नहीं उसे हम हाँ मान सकते हैं तो भगवान को मानने से वो जो अप्रकट सत्ता व्याप्त है जो केवल ऋषियों को दिखाई देती है जो केवल संतों के अनुभव में आती है उसको श्रद्धा पूर्वक मान लेने से वो हमारे लिए भी दृश्य हो जाती है हमारे लिए भी वो दृश्यात्मक हो जाती है कभी खोती नहीं यो मश्यवच मयी पश्य त न प्रणश्यामी न च सचमे न प्रणश्यति उसके लिए मैं कभी खोता नहीं जो मेरे को हर जगह मेरा अनुभव करता है मुझे देखता है तो भगवान का अनुभव जो करता है तो वो क्या अनुभव करता है ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्ण कि यह सब पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ मैं परमात्मा की रचना हूँ मैं भी पूर्ण हूँ कोई कामना सारी कामनाएँ शांत हो जाती हैं अंतकरण में जब हम पूर्णता का अनुभव करते हैं और फिर आत्मा पूर्ण तृप्त रहती है और जो आवश्यकताएँ होती हैं वो इस शरीर की होती हैं और शरीर की आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी होती हैं थोड़े से वस्त्र में थोड़े से अन्न में इस शरीर का काम चल जाता है और वो भगवान सबको दे रही है चीटी से हाथी तक का पेट भर रहा है कोई मर नहीं रहा भूखो कोई नहीं मर रहा तो सारे को भगवान देता ही है हमारे हमारे को जन्म मिला है तो हमको अन्न भी मिलता है और अन्न तो सबको मिलता है ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं चीटी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करती हाथी कभी आलस से प्रमाद नहीं करता हमेशा चलता रहता उसका इतना भारी शरीर भी होता है लेकिन फिर भी वो एक दिन में मीलों की यात्रा तय करता है और उसके पुरुषार्थ से उसको आहार भी मिलता है उसको साथी भी मिलते हैं उसको अच्छा जंगल भी मिलता है सब मिलता है इसी तरह इस शरीर भगवान ने दिया है तो शरीर दिया है तो भगवान अन्न भी देगा लेकिन इस शरीर को दिया है तो शरीर के कुछ कर्तव्य भी हैं कि इस संसार से यह शरीर बना है तो यह संसार के लिए यह शरीर अपनी सेवा भी करे इस शरीर से जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो यह नामुमकिन है यह असंभव है कि वह व्यक्ति भूखों मर जाए उसे खाना ना मिले उसे वस्त्र ना मिले ये सब उसी के लिए है जो अपने कामनाओं में फंसा है गलत काम कर रहा है या आलस्य प्रमाद में जी रहा है बहुत जड़ हो गया है उठ नहीं पा रहा चल नहीं पा रहा रोगी हो गया प्रज्ञा अपराध कर रहा है और फिर उसके बड़े बड़े सपने सपने देखने में तो कोई कमी नहीं करता व्यक्ति कर्म करने में कमी करता है तो हमारा अंतकरण कोई स्वप्न में जीने के लिए नहीं बनाया गया हमारा अंतकरण बनाया गया है कि हम भगवान को उस अंतकरण में स्थापित कर सकें जैसे मंदिर में हम मूर्ति स्थापना करते हैं और उस मूर्ति को हम जब मानते हैं जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है कि अब इसमें भगवान की शक्ति आ गई है भगवान की छाया प्रतिबिंब इसमें आ गई है फिर उसका पूजा करते हैं और फिर भगवान को जब नवरात्रि हो जाती है तो भगवान का जब प्रस्थान कराते हैं और फिर वो मूर्ति को हम जब जल में डाल देते हैं तो हमें पता है कि उस मूर्ति में नहीं लेकिन जो भगवान की छाया थी प्रतिबिंब शक्ति थी उस मूर्ति में उसका आवाहन कराया वैदिक मंत्रोच्चारण से और फिर उससे प्रस्थान कराया तो इस मूर्ति को हम तोड़ सकते हैं इसमें नदी में फेंक सकते हैं उसको विसर्जित कर सकते हैं मिट्टी की बनी तो मिट्टी में मिल जाएगी तो ये भी मिट्टी से बना है मिट्टी में मिल जाएगा यह जो मंदिर है भगवान जो अंदर भगवान का स्थान है अब उस स्थान में भगवान की शक्ति को प्रकट करना है वह शक्ति हर जगह है हर जगह है लेकिन वो प्रकट कब होती है जब वैदिक मंत्रोच्चारण के अनुसार जीवन जिया जाता है वेद में जो भी ऋचाएँ कह रही हैं भगवान की कि ऐसा जीवन जियो जीव। यदि हम वैसा अपने जीवन को वैदिक बना लेते हैं वेदानुसार बना लेते हैं अपने जीवन को जब हम भगवान के अनुकूल बना लेते हैं और श्रद्धा में जीवन, जीवन जीते हैं उस परम पिता के प्रति तो इस स्थान पर इस मंदिर पर भगवान प्रकट हो जाते हैं भगवान की शक्ति प्रकट हो जाती है और इसीलिए हमारा जीवन है नहीं तो ये खाली खाली जगह लेकर के हम अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म युगो युगो बीत जाते हैं मनवंतर बीत जाते हैं चतुर्युगी कितने बीत गए कितने युग और कितनी सृष्टियाँ कितनी धरतियाँ बीत जाती हैं ये जगह खाली रहती है उसमें भगवान अभिव्यक्त नहीं हो पाते फिर वही दुख का कारण होता है वही अल्पता का कारण होता है और जहाँ भगवान नहीं फिर वहाँ अनंत कामनाएं हमको खाने के लिए आ जाते हैं तो कामनाओं का नाश भगवान के सान्निध्य से होता है जब बड़ी चीज़ प्राप्त हो जाती है तो छोटी छोटी में फिर नज़र भी नहीं जाती है किसी को किसी के घर के सामने नदी बह रही है तो वो फिर कुआं क्यों खो देगा कुएँ में उसका क्या अभिप्राय होगा वो तो नदी से शुद्ध पानी अपने घर पे लाएगा और नदी का औषधीय जल उसका प्रयोग करेगा वो कुआं क्यों, क्यों खोदेगा तो जैसे भगवान प्राप्त हो गया उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं फिर वो छोटी छोटी कामनाओं उसके अंतकरण में नहीं आती वो सोचता ही नहीं और आवश्यकताओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं आवश्यकता अपने आप पूरी होती है हमारे पुरुषार्थ से हमारे सत्कर्मों से हमारे अच्छे कर्मों से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं कामनाएं तो केवल हमको लोभी बनाने क्रोधी बनाने आती हैं हमको मोहित करने आती हैं कि हम कामनाओं में फंसे रहें और हम अपनी मूल चीज़ को भूले रहें भगवान को भूले रहें सेवा को भूले रहें आत्मा को भूले रहें और फिर हम जब हम कामनाएं हमारे भीतर होती हैं तो हमारा अंतकरण सिकुड़ जाता है फिर एक स्वार्थ उत्पन्न होता है फिर हम अपना पराया देखते हैं कि उसकी कामनाएं पूरी ना हो मेरी कामनाएं पहले पूरी हों और कामना का पूरी सब की कामना पूरी होना असंभव है और हमारी भी सब कामनाएं पूरी होना भी असंभव है तो क्रोध आना निश्चित है चिड़चिड़ापन आना निश्चित है अशांत होना निश्चित है इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि यह सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ जया ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापस्यसे अधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्मफल हेतु मे संगोस्व कर्मणि कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है फल की इच्छा में अधिकार नहीं है फल की इच्छा हमें अपने आप फल की प्राप्ति हमें अपने आप होती है बस हम श्रद्धा पूर्वक अपने कर्म करते रहें भगवान के लिए या इस संसार को सुंदर बनाने के लिए इस संसार को सुंदर बनाने के लिए जब हम काम करते हैं तो भी हमारी अपनी कोई कामना नहीं होती बस संसार को संसार की कामनाएं पूर्ण हो, यानी ये संसार भी विराट है तो इसकी सेवा में लगने से भी हमारे मन में निष्कामता आती है सेवा से भी चित्त शुद्धि होती है जब हम संसार की सेवा में उतरते हैं तो भी हमारे मन में शांति रहती है कामना नहीं रहती यदि कामना लेकर के हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो फिर तो हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी कामना पूर्ण करना चाहते हैं कि कोई अपने पिता की सेवा कर रहा है कि मेरे इस पिता के जाने के बाद ये अपनी संपत्ति मेरे नाम कर देगा तो फिर वो पिता की सेवा कहाँ कर रहा है वो तो उसके धन की सेवा कर रहा है उसके अपने कामना की सेवा कर रहा है तो वो पिता की सेवा नहीं है जो कामना लेकर के की जाए फिर वो संसार की सेवा नहीं वो तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम मान सम्मान चाह रहे हैं धन चाह रहे हैं या पद चाह रहे हैं निष्कामता आ जाती है जब हम संसार की सेवा संसार के लिए करते हैं संसार की सेवा अपने लिए नहीं करते संसार की सेवा संसार के लिए करने से हमारे भीतर से संसार मिट जाता है हमारे भीतर से संसार की आसक्ति मिट जाती है और हमारे भीतर दिव्यता भगवत्ता निष्कामता आनंद की प्राप्ति होती है उसी सेवा से तो या तो हम जगत की सेवा कर्मयोगी बन के करते हैं तो भी उस निष्कामता से हमारे हृदय अंतकरण में भगवान की उपस्थिति होती है और या तो हम अपना समर्पण भगवान के प्रति करके भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो श्रद्धा से भी निष्काम होकर के जब हम भगवान की शरणागति में रहते हैं तो भी उसी सिमरन से भगवान की प्राप्ति होती है और हम अपने आप को दोषों दुर्गुणों से मुक्त करके एक ध्यानी ज्ञानी बन करके जीवन जीते हैं तो भी निष्कामता से भगवान की प्राप्ति होती है तो हम किसी भी मार्ग से भगवान तक पहुंच सकते हैं और हर पल भगवान का चिंतन सुमिरन ही हमको हर एक कष्ट से हर एक दुविधा से बचाता है इसमें कोई भी संदेह नहीं यह प्रमाण है ऋषियों का संतों का सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ Namastê.